कोरोना संक्रमण के कारण देश भर में हुए लॉकडाउन के कारण दूध के साथ ही उत्पादों की बिक्री में भारी गिरावट देखी गई है। इन सब के बावजूद मुजफ्फरपुर डेयरी ने दुर्गा पूजा और दीपावली पर्व के दौरान अपना बेहद प्रदर्शन देते हुए शहरवासियों को दूध और दुग्ध उत्पादनों की कोई कमी नहीं होने दी। इसी तरह छठ महापर्व के दौरान भी मुजफ्फरपुर तिमुल ने घोषणा की है कि शहरवासियों को दूध और दुग्ध उत्पादकों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। मुजफ्फरपुर न्यूज से बातचीत करते हुए मुजफ्फरपुर डेयरी के प्रबंध निदेशक एच एन सिंह ने कहा कि तिमुल मुजफ्फरपुर डेयरी छठ व्रतियों एवं अपने सम्मानित उपभोक्ताओं के लिए 7 लाख लीटर दूध की व्यवस्था एवं आपूर्ति की योजना है, जो गत वर्ष से 20% अधिक है। साथ ही पर्याप्त मात्रा में डिब्बाबंद सुधा का दूध उत्पाद तथा पनीर भी, मिठाइयां इत्यादि भी भरपूर मात्रा में बाजार में उपलब्ध कराई जा रही है। प्राकृतिक प्रकोप तथा कोरोना के बावजूद भी पूर्ण स्वच्छता मानक के साथ सभी प्रोडक्ट बाजार में 24 घंटे बाजार में उपलब्ध रहेंगे। उपभोक्ता गण अपने नजदीकी सुधा के अधिकृत पार्लरों से दुग्ध प्रोडक्ट प्राप्त करें, लेकिन पैकेट पर अंकित कीमत से ज्यादा राशि का भुगतान नहीं करें। सुधा डेयरी द्वारा 2 दूरभाष नंबर 91171 12929 एवं 70799 2952 भी जारी किया गया है, जिस पर किसी भी प्रकार का सुझाव एवं शिकायत दर्ज की जा सकती है। देखिए, तिरहुत दूध उत्पादक सहकारी संघ जो मुजफ्फरपुर डेयरी है, इसका 7 जिलों में दूध आपूर्ति करती है और 7 जिलों के जो उपभोक्ताएं हैं उनके लिए हम लोग को दूध आपूर्ति और दूध से बने हुए मिठाई पनीर आपूर्ति करना होता है। तो सबसे पहले मैं अपने सारे उपभोक्ताओं के और छठ पर्व के अवसर पर सारे छठी व्रतियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उनको आभार प्रकट करना चाहता हूं कि वो सुधा दूध पे इतना विश्वास करते हैं। जैसा कि दीपावली में हम लोगों ने सभी प्रकार की मिठाइयां पनीर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया, कहीं से कोई किसी को परेशानी या कठिनाई नहीं हुई है। छठ पर्व के अवसर पर भी हमारी डेयरी मुजफ्फरपुर डेयरी 7 लाख लीटर दूध का व्यवस्था कर चुकी है, जो पिछले साल से लगभग 20% ज्यादा हम लोगों ने व्यवस्था किया है। और 7 लाख जो दूध पैक कर करके और मार्केट में हम लोग सही टाइम पे परिवहन कर और रिटेलर के माध्यम से बेचने की व्यवस्था कर रहे हैं। सभी उपभोक्ताओं से मेरा अनुरोध यही होगा कि वो अपने नजदीक के पार्लर से दूध खरीदें, घर में ले जाएं और घर में या तो फ्रिज में रख दें या उसको काट करके गर्म कर लें, क्योंकि दूध दो ही तरीका से बताया जाता है, या तो गर्म करके या ठंडा करके। तो दूध खराब नहीं हो इसके लिए गर्म करना या फ्रिज में रखना जरूरी होता है। दूसरी बात यह है कि कई लोग ऐसा अफवाह उड़ा देते हैं कि दूध की कमी है, दूध की कमी है, तो दूध की कमी नहीं है, इस पर विश्वास नहीं करना है। और जो हमारे पैकेट पर मूल्य लिखा हुआ है मुजफ्फरपुर में प्रति पैकेट जो टोंड दूध का ही हम लोग व्यवस्था किया है 39 रुपया, और अन्य शहरों में जैसे जो सेटेलाइट शहर है बेतिया में, मोतिहारी में, गोपालगंज में, उसमें 40 रुपये उसका दर है। तो पैकेट पर जो दर लिखा हुआ है उतना ही हमारे उपभोक्ता उसको कीमत के रूप में भुगतान करें, दूध की कोई कमी नहीं है। हमारे हमने एक जो संपर्क सूत्र है, जो हमारा दूरभाष का नंबर है, वो भी हम लोग पेपर में दे रहे हैं। अगर किसी भी तरह का आपको दिक्कत है तो उस नंबर पर डेयरी से संपर्क करें, आपको सारी मिठाइयां पनीर या दूध पर्याप्त मात्रा में डेयरी से आपूर्ति करने की व्यवस्था हो रही है। आप लोग से आराम से आप लोग खुशी खुशी छठ पर्व का मनावें। छठ पर्व पवित्र इस पर्व पे जो बिहार के लिए गौरव है, तो इस गौरवशाली पर्व को हम लोग सुधा दूध के साथ बेहतर ढंग से मना सकते हैं। आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगा, मुजफ्फरपुर डेयरी आप लोग के साथ है। तो इस बार निश्चित रूप से बाढ़ आई है, बरसात अधिक हुआ है, दूध का प्रोडक्शन कम है, उसके बावजूद भी सारी परेशानियों के बावजूद भी मुजफ्फरपुर डेयरी ने आपके लिए पूर्ण व्यवस्था कर रखा है। अगर किसी भी तरह की कठिनाई होता है तो जो हम मोबाइल नंबर या दूरभाष नंबर पेपर में दे रहे हैं उससे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं पुनः आप लोग को इस अवसर पर आपको हार्दिक अभिनंदन करते हैं और पुनः छठ व्रत की बधाई देते हैं मुजफ्फर, और आप लोग को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। धन्यवाद कि हम लोगों ने 7 लाख लीटर दूध की व्यवस्था किया है। यद्यपि बाढ़ के कारण दूध की कुछ किल्लतें हो रही थी, फिर भी उसको
प्रबंधन किया गया है कि हम एक ब्रांड केवल एक वेरिएंट का है टीएम देंगे और पर्याप्त मात्रा में देंगे। उसमें आम उपभोक्ताओं से आग्रह है कि छठ पर्व को ध्यान में रख के जो शुद्धता और स्वच्छता छठ पर्व को देखते हुए रखी जाती है उसका पूरा 100% अनुपालन करने का डेयरी ने प्रयास किया है कि हम उस शुद्धता और स्वच्छता को बनाए रखें। तो किसी तरह का भ्रम आम उपभोक्ताओं में नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जरूर हम लोग आग्रह करेंगे। हम लोगों ने 2 नंबर जारी किया है, 9117112929। फिर से रिपीट करता हूँ, 9117112929 और 7070992952। ये 2 नंबर है। अगर किसी उपभोक्ता को किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो वो इस पर संपर्क कर सकते हैं और ये 24 आवर्स खुला रहेगा और जो कंप्लेन होगा उसका पूरा प्रयास किया जाएगा कि उसका निदान हो। दूसरी बात, हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि सारे तिमूल के कार्य क्षेत्र के जिले में और सभी एरिया में हमारे उड़नदस्ता टीम घूमते रहेंगे। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो हम उसका निवारण करने का प्रयास करेंगे। अगर किसी खास एरिया में दूध की कमी हो जाती है और इस नंबर पर हमें अगर ये मैसेज प्राप्त होता है तो हम उस एरिया में अपनी व्यवस्था से दूध आपूर्ति करने का प्रयास करेंगे। तो सभी आम उपभोक्ताओं को, आप मीडिया कर्मियों को, सभी को और सारे बिहार वासियों को हम छठ की शुभकामना देते हैं। छठ महिमा हम लोगों पर भी बरकरार रहे और सभी लोग शांति सुख में जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।